ट्विटर पे ट्वीट करके और सरकारी अधिकारी से पदाधिकारी से आप जो बताए हैं कि से हम उन सब के संपर्क में हैं, तो लोगों के संपर्क में आइए आप। यह चिलचिलाती धूप में देखिए कि से नाव के सहारे हम बीच में, उधर पे एक घर है, उनका घर हम आपको दिखाएंगे। और वह घर दिखाने के बाद हम यहाँ के परिस्थिति के बारे में अवगत कराएंगे कि से कैसे यह लोग जो है से क्रॉस करके अपने घर पे जाते हैं। देखिए किसी इसमें हम ऐसा टापू पे आ चुके हैं कि से चारों तरफ यहाँ पे पानी है, और चारों तरफ पानी है। देखिए कि इसके अंदर में कितने लोगों का घर है, और यह सब जो है से ग्रामीण है, यहीं के निवासी हैं, और यह लोग जो है से अपना नाव रखे हुए हैं आवाजाही करने के लिए, लेकिन सरकारी नाव इन लोग को नहीं दिया गया। देखिए यह पानी में से आए हैं, इनका शरीर जो है से पानी से भींगा हुआ है, नाव का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी इन लोग के साथ एक दिन मात्र हम चैलेंज करते हैं, जितना भी नेता सब आ करके वोट मांगता है, एक दिन आ करके इन लोग के साथ रह करके दिखा दे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम आ चुके हैं, और हमारे पीछे देखिए कि यह लोग जो है से अपने गांव से बाहर की ओर ऊपर में आ रहे हैं कि से जहां पे पानी नहीं लगा हुआ है। आ जाइए थोड़ा सा आप लोग, कितना अंदर आपका घर है? यहां से हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर आपके घर के पास कितना पानी होगा लगभग? मतलब अभी तो भर छाती है। भर छाती। आपके घर परिवार के और सब लोग कहाँ? वो उधर से इधर आ गए हैं, इधर ले आए। हाँ। अच्छा, ये पानी कब आया है? लगभग मैं 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। अच्छा, सरकार के द्वारा आप लोग को कुछ राहत दिया गया है कि नहीं? राहत कोई राहत नहीं दिया गया है, सिर्फ एक मैंने तिरपाल दिया गया है। एक तिरपाल एक आया है, जो बहुत कोशिश करने के बाद SDM साहब सबको कहने के बावजूद वह तिरपाल मिला है। अच्छा, खाने पीने का सामान? खाने पीने का इस व्यवस्था नहीं है, न मवेशी का व्यवस्था हुआ, न कुछ व्यवस्था हुआ, ऐसे ही रोड पर आदमी सो रहा है। तो बहुत कहने के बाद बारिश उरिश के चलते मतलब वो तिरपाल का व्यवस्था है वो किया गया, वही दिया से हम लोग बहुत जानते हैं। चलिए वो रहा थे, वो मिला तो बहुत बड़ा मिला, और क्या। और सरकारी लाभान्वित हम लोग कोई कुछ नहीं मिला है। सरकार तो दावा कर रहा है कि से हमने जितने भी बाढ़ से ग्रसित जितने भी लोग हैं उनको हम खाने पीने के साथ साथ पन्नी का भी व्यवस्था, ये सब नहीं नहीं, खाने पीने का व्यवस्था यहाँ नहीं है। अब हो सकता है तो आगे होगा, लेकिन हम लोगों को पास में यहाँ पर जितना भी आदमी है 150-200 के लगभग में उधर था, तो उधर से इधर आ गए हैं जो रोड पर अभी हैं तत्काल, तो उनको कुछ नहीं मिला। आप लोग ये राहत सामग्री से वंचित कैसे हो गए? आप लोग आवाज़ नहीं उठाए क्या? आवाज़ उठाने के बाद भी तो अब तक घेराव किए, तो अब उसका मर्जी न है जो देना नहीं देना। अब अच्छा, ये जो बाढ़ आया इधर, तो निरीक्षण करने के लिए कोई सरकारी अधिकारी आया है कि? एक बार आए थे तो नैया से घूम कर देखे थे। अच्छा, नैया से। नेता सब कोई नेता नहीं आया। कल उमेश कुशवाहा जी आए तो कहे जी हम मीटिंग में बैठेंगे तब हम कुछ विचार करेंगे। उमेश सिंह कुशवाहा? हाँ, कल आए थे यहाँ। अच्छा, कल आए थे, बस मीटिंग वो करते रह गए। मीटिंग करेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, यह सहदेई प्रखंड पड़ता है, और चिराग पासवान जो हैं यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, और वह ट्वीट करते हैं ट्विटर पे कि से वहाँ के बाढ़ से ग्रसित जितने भी लोग हैं उनका हम जायजा ले रहे हैं अधिकारियों के द्वारा। क्या वह आप लोग से मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? अभी तक नहीं, कोई नहीं, कोई नेता नहीं मिले, सिर्फ वो उमेश कुशवाहा जी आए रोके कल, तो मतलब अच्छा, आप लोग रोके हैं तब रुके? हाँ जी जी जी, रोकने के बाद रुके हैं। देखा जाए सर, हाँ। मतलब वोट के समय में आपको खोजते हैं, अब भी आपके साथ मतलब बुरा व्यवहार हो रहा है, बुरी तरीके से आप लोग का घर डूबा हुआ है, तो आप अभी उनको खोज रहे हैं? जी जी, वहाँ खोजे, रोके, रोड पर रोके, उनका जा रहा था रैली, काफिला जा रहा था 10 गाड़ी के साथ, तो हम लोग रोके, उनको उतारे नीचा, तो बोले जो ठीक है धमोन जा रहे हैं से हमको मतलब छुट्टी नहीं है। अच्छा। से हम वहाँ से आएंगे तो मीटिंग में बैठेंगे तो हम विचार करेंगे इस पर। वही नेता को इलेक्शन के टाइम में छुट्टी ही छुट्टी रहता है। क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर राय। बिंदेश्वर राय, क्या आपका घर इधर पड़ता है कि उधर? घर तो हम लोग का मतलब ये इधर भी पड़ता है, इधर भी। आपका भी घर बाढ़ में? हाँ हाँ, सब कोई के बाढ़ में। राहत सामग्री आपको? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद कुमार है। इधर आ जाइएगा, सामने आ जाओ। प्रहलाद कुमार राय। अच्छा, विधायक कौन है आप? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी आई है वो? नहीं 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 आई नहीं आई
जरा बताइए कि से नेता सबको इलेक्शन का टाइम दिखता है, अभी इन लोग के साथ एक दिन मात्र हम चैलेंज करते हैं, जितना भी नेता सब आकर के वोट मांगता है एक दिन आकर के इन लोग के साथ रह करके दिखा दे, तब जानेंगे कि से हाँ इनका समस्या क्या है। जरा बताइए कि से यह लोग अपने घर परिवार को ऊपर बार के तरफ चले जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं लगा हुआ रहता है, और बिहार में यह आपदा हर साल आता है, एक समय अभी इन लोग का खेती बाड़ी होगा जिधर उधर पे एक चुल्लू भर पानी खोजेगा तो उधर नहीं मिलेगा। इधर जो है से आपका घर है तो आप अपने परिवार सबको कहाँ रखे? सब इधर शिफ्ट है, सब इधर शिफ्ट है, इधर भी है। अच्छा, ये पानी जो है से कितना दिन के अंदर में चला जाएगा? अब देखिए वो तो ना बता सकते हैं, हम लोगों के हाथ में थोड़े थोड़े, हम लोगों के हाथ। क्या नाम हुआ आप? राजकुमार राय। इधर ही घर पड़ता है आप? अच्छा, क्या समस्या है आपका? घर डूबा हुआ है। कोई राहत सामग्री नहीं? वोट देते हैं तो वोट देते हैं ना। जाति के नाम पर? जाति सब तो ठोरे होता है जिसको सब लोग देता है, देते हैं, देते हैं ना। तक मतलब कोई मुद्दा लेकर के ये बाढ़ से ग्रसित होता है, बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, बाढ़ में दह जाता है, तो इसका आवाज उठाते हैं कि नहीं नेता सबके साथ? आवाज उठाते हैं तो कोई नहीं हम लोग पर अथी करता है, नहीं सुनता है, कोई ना सुनता। यह लोग जो है से बार बार प्रत्येक साल इन लोग के साथ बाढ़ से सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार उचित कदम नहीं उठाती है। और उचित कदम ये तो आपदा है, यह प्रत्येक साल आता है, लेकिन लोगों को यहाँ पे सामुदायिक भवन का व्यवस्था किया गया है कि नहीं आप लोग? नहीं, सामुदायिक भवन कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, पता है कि नहीं आप लोग? जी जी, मुख्यमंत्री जी। वह पेपर पे दावा करते हैं कि सामुदायिक केंद्र हम खुलवा दिए हैं जहाँ भी बाढ़ ग्रसित लोग हैं, खाने पीने का, भैंस के चारा का, हर एक चीज का व्यवस्था कर। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था हुआ, आप लोग को नहीं मिला है? वंचित हैं ये लोग, कुछ नहीं। और यहाँ के लोगों को नहीं देखा जा रहा है कि इनके साथ समस्या क्या है, और यह समस्या को दिखाने की बहुत ही जरूरत थी। और यह लोग प्रत्येक साल, एक साल की बात नहीं है, यह प्रत्येक साल आपदा आता है। यहाँ पे महिला लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? कलेश्री देवी। क्या नाम? कलेश्री देवी। अच्छा, कहाँ? इन्ने घर हो कि घर? तो 10 कट्ठा धान रहे, 10-15 कट्ठा मकई रहे, सब दहा गेल। गरीब लोग पूंजी लगा दिली अटैया बटैया में, सब चल गेल। कथी खाऊ? दहुआ हरदासपुर के सब हिया जुमल है, बेटी नाती नतनी, कथी खाऊ? अच्छा, कोई राहत कुछ ऐसा सामग्री कुछ ना मिलो? कुछ ना मिले, एगो कल तिरपाल तिरपाले ओढ़ के रह हम पेट कुनिया दे के। खाना पीना के व्यवस्था कुछ ना? इतना चूरा, इतना मीठा मोटरी बांध के करने दो नी। आम पब्लिक जो पैसे वाले हैं आपसे बतियाएंगे हम। हाँ बोलो। तो खाना चाहिए हमरा? अच्छा, अनाज चाहिए, मकई चाहिए, गहूँ चाहिए, पैसा चाहिए, तब ना खाएगा। हरदासपुर के है 12 गो से बच्चा से इतनी गो से इतनी आयल सब की खिया। अच्छा, मतलब इसे सरकार देख रेख ना करो तो कुछ ना? अपने के की नाम? राजकुमारी। अच्छा, की समस्या है अपने? माल जाल सब दह गेल हुआ से, सब ले कर हिया रखले ऊपर की में। आ 3 गो माल है घर में, पानी भीतरी सम गेले हुआ, सब चीज लेकर रहित रही हुए, तो सब दहा भसा गेले। अब माल जाल के ना उपाय है कोनो, आ ना लोग के। घर देखने गए हैं कि नहीं आप? आपका घर? घर देखे गेल कि ना? ना मानल कि नौ दिन तक पानी में जाकर? ना ना, अपने जाइले कि ना जाइले? जाइए देखे कि जाए, सब चीज तो हुए है। देखिए, यह पानी में से आए हैं, इनका शरीर जो है से पानी से भींगा हुआ है। नाव का भी व्यवस्था नहीं किया गया है कि यह लोग जो है से महिला हैं, और नाव से यह लोग जो है से अपने घर के पास अगर कोई भी सामान अगर बचा हुआ है वहाँ पे, तो लाने के लिए नाव का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। बताइए कि से इसी में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ संतावना देने के लिए इनके साथ रहेगा, और बात बनाने के लिए आएगा और संतावना दे करके चला जाएगा, और उस दुख के घड़ी में कोई इनके साथ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ताज़ा बात रहेगा। तो इन लोग के आकर के आश्वासन देगा कि से हाँ से आपके साथ दुख हुआ, और इस अब भी यह जो है से कष्ट झेल रहे हैं, इस कष्ट को साझा करने वाला कोई भी न नेता है, न अधिकारी है, न पदाधिकारी है, न कोई भी है। चारों तरफ पानी है, और पानी के बीच में हम आ चुके हैं, और यह लोग जो है से बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, और यह लोग के घर में देखिए कि से पानी का दाग यहाँ पर तक था, पानी का लेवल जो है से थोड़ा सा कम हुआ है, तब जा करके थोड़ा मोड़ा राहत मिला है, जो कि
सरकारी राहत इसे नहीं बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमारी। अच्छा, की समस्या होता है जब जब बाढ़ आ जाता है तो? दिक्कत होता है खाने के लिए, सुतने के लिए, बैठने के लिए, पीछे घर उर सब राशन पानी सारा चीज के जलावन के लिए सारा के तो दिखते है। गैस सिलेंडर नहीं है? गैस सिलेंडर सरकारी है तो पैसा रहेगा तभी नहीं भराएगा मुझे। खाने पीने के लिए? हाँ, सब के लिए तो दुखे है। फिर कैसे मतलब जैसे काम चलता है आप? वो इसी चलता है, लोग भूखलो प्यास लो कुछ भी कहता प्राण बचाते हैं और क्या। आपके पति क्या करते हैं? वही तो मजदूरी। अच्छा, जब जी ये बाढ़ आ जाता है आप लोग के पास तो ये प्रत्येक साल आता है ऐसे? हाँ हाँ। तो कोई नेता सब आता है आप लोग से मिलने के लिए? यहाँ पर कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? अच्छा, जब चुनाव का समय रहता है तो उस समय आता है? हाँ, उस समय आता है। हाँ, चुनाव के समय उसको बोलते नहीं है कि से जब हमारे पास बाढ़ आता है भादो आसिन के समय में आइए एक दिन हमारे साथ गुजारिए, बोलते हैं कि नहीं? ये सब बात बोलते हैं तो नहीं आता है ना, वही ना कहते हैं हम वोटे नहीं देंगे हम। यह जो हैं ऐसे बाहर पे हमको मिले थे और इन्हीं के सहयोग से हम इनके घर पे आए हैं और यह नाव अपने से खुद से हाँक करके लाए हैं और इनके घर की देखिए किसे यहाँ पे महिला सब है और महिला सब है यहाँ पे, ये सब है, बच्चे सब है, देखिए कितने मासूम बच्चे हैं, ये सब कितना संकट से यह लोग जो है से अपने समस्या को झेलते हैं, फिर भी सरकार जो है से इनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश नहीं करता है। अगर कोशिश करता भी है तो सिर्फ और सिर्फ कागज पे, जमीनी हकीकत क्या है से देख सकते हैं आप लोग। राहत सामग्री आप लोग को सरकार के द्वारा मिला है कि नहीं? तिरपाल मिला है। तिरपाल, खाने पीने का सामान कुछ नहीं? पेठिया पर। अच्छा, तो सूखा जगह जहाँ पे देता है अपना जैसे कि अपना आदमी हुआ ना, वो लोग के चिन्ह कर देता है। अब अधिकारी किसको चिन्हेगा, ऐसा मतलब काहे बोल रहे हैं आप? इधर आकर बोलिए, इधर आकर के बोलिए। मेन जो उसमें जो है पदाधिकारी जो यहाँ यहाँ के मेन होता है ना, लोकल गांव के बीडीओ सीओ नहीं, यहाँ के लोकल जो है ना, अब वही सब अपना अपना चिन्ह का वही सब देता है। यहाँ पर कोई ऐसा मीडिया वाला नहीं पहुँचता है, कभी नहीं। हम लोग के 25-30 साल के उम्र हो गया आज तक के नहीं पहुंचता है। हम लोग के पत्नी देखिए, हम भी विकलांग है, मेरा पत्नी भी विकलांग है, कोई उसका राहत नहीं मिल रहा है। जन्मे करते हैं विकलांग, हम लोग सीमेंट के बोरी उठाएंगे चाहे कुछ भी उठाएंगे तो हम लोग के बनेगा नहीं। हम लोग के हौला फौला कोई काम मिलता है तो कर लेते हैं, तब पर भी हम लोग के जहाँ करते मजदूरी, हम मजदूरी करते हैं। हम लोग के कोई 400 के महीना पेंशन आता है, सिर्फ वो पेंशन हमको कभी नहीं आता है, कभी ना आता है, फैमिली नहीं आता है। एगो खाली हम लोग के ई राहत है कि तिरपाल एगो दिया है, सिर्फ वही तक। तिरपाल है, थोड़ा सा दिखा सकते? तिरपाल ठीक है, ले आते हैं, लेकिन हम लोग के तिरपाल मिला है, 4-5 गो घर में फैमिली है, उसको सबको मिला है, एक आदमी को नहीं मिला है तो नाम तर पर गया है, लेकिन मिला है सबको, ऐसा बात नहीं है, मिला है सबको। खाना दाना है तो अपना अपना आदमी को चीन के लोग देता है। अच्छा, आप पशु भी रखे हुए होंगे? हाँ, तो पशु का चारा ये एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, पशु के चारा हम लोग अखनी दिक्कत सिक्कत करके खिलाते हैं, या यहाँ उधारे लाए भूसा टाल पर से खरीद के, यही तिरपाल है हम लोग के। सरकार के द्वारा यही तिरपाल दिया गया है और चूड़ा मिठा है जैसा यह लोग बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही इन लोग के पास जो है से बांटा गया है। हाथ इनका कटा हुआ है, थोड़ा सा हाथ ऐसे करके दिखाइए, और यह भी जो है से इनका जो है हाथ जो है से विकलांग है ये, और जरा सोचिए किसे, ये भी विकलांग है, मेरा पत्नी है, बताइए किसे, कम से कम विकलांग को भी तो सामुदायिक केंद्र पे इन लोग को व्यवस्था करवाना चाहिए था और इन लोग को वहाँ पे रख करके जब तक इनके घर पे पानी है, जैसे ही पानी का बहाव मेन धार के तरफ मुड़ जाए तब इन लोग को जो है से यहाँ आने के लिए अनुमति दिया जाता। जरा बताइए कि से यह तो अभी जो है से धीरे धीरे इसका लेवल घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, अगर अचानक अगर पानी आ जाए तो ज़रा बताइए कि से यह विकलांग लोग कैसे अपने
ऊंच स्तर पे जाएंगे और जहाँ पे उच्च आस जगह है वहाँ पे जाएंगे। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ पे SDRF का टीम है, नहीं NDRF का टीम है। किसी यह लोग को अगर कोई भी ऐसा समस्या हो गया, अचानक बाढ़ आ गया, चाहे अचानक से कुछ ऐसा समस्या हो गया, सांप काट लिया, कोई भी ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया, तो इसके सुविधा के लिए कोई ऐसा चीज़ सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और चिराग पासवान जी आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे ट्वीट नहीं कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट करके और सरकारी अधिकारी से, पदाधिकारी से आप जो बताए हैं कि से हम उन सब के संपर्क में हैं, तो लोगों के संपर्क में आइए आप और लोग का समस्या जानिए कि यह लोग कितने समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपना समय जो है से दिन प्रतिदिन कैसे गुजार रहे हैं। और इसको दिखाने की यही ज़रूरत थी कि से जितने भी सरकारी अधिकारी पदाधिकारी है उसका आँख खुले कि से नीचे स्तर पर कैसे यहाँ पर धांधली चलता है। अगर राहत सामग्री भी आता है तो यहाँ के बिचौलियों लोग सब अपने जान पहचान के लोग सब के ही यहाँ पे सीमित कर देते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तक के नहीं पहुँच पाता है।